10 दिनों की गणेश उत्सव की धूमधाम के बाद बप्पा का विसर्जन किया गया। जिस स्वागत के साथ बप्पा को विराजित किया गया था, उसी उत्साह और धूमधाम के साथ बप्पा को विसर्जित किया गया। इस दौरान बप्पा के विसर्जन में उनके भक्त शामिल होते हैं। बप्पा के भक्त बप्पा की मूर्ति के साथ साथ चलते हैं। भक्तों को भूख और प्यास भी लगती है। इसी बीच भक्तों के खान पान की व्यवस्था मलाड स्थित चौकी के पास एक मंच बनाकर तिवारी परिवार बप्पा के भक्तों को वड़ा पाव वितरण करती है। यह काम तिवारी परिवार पिछले 30 सालों से करते आ रही है। वितरण के दौरान राम भाई पाल के साथ पूरा तिवारी परिवार मौजूद रहा। यह वितरण काम बद्री विशाल तिवारी ने 30 साल पहले शुरू किया था और इसी काम को तिवारी परिवार पिछले 30 सालों से आगे बढ़ा रही है। मंगल मूर्ति। सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूंगी। राजेश पाल, हम रामपाल जी के पुत्र हैं और बद्री विशाल तिवारी जी के बड़े खानदान में बड़े लड़के हैं हम। तो क्या कहना चाहेंगे राजेश? सबसे पहले 30 साल पूरा किया है तिवारी परिवार ने, 30 साल पूरे किए हैं, जिस वजह से यहाँ पर गणपति बप्पा के जो भक्तों का स्वागत और उनके लिए खाने की जो व्यवस्था की जाती है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का उनका खास सपोर्ट है? ये पूरा प्रेरणा हमारे आदरणीय बद्री विशाल तिवारी जी अंकल की ये प्रेरणा है, उनके माध्यम से इन्होंने शुरुआत की है और सभी लोग हमारे पूर्वज जो हमारे जो बड़े हैं उनके आशीर्वाद से हम आज भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। पिछले 30 सालों से गर्मा गर्म वड़ा पाव की सुविधा दे रहे हैं। आप सभी का प्यार हमारे साथ में इसी तरह बनकरार है और भक्त लोगों ने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया है, तो पप्पा के आशीर्वाद से ही हमें 30 साल पूरा कर सके हैं। हमारा पूरा परिवार आप सभी लोगों का और पूरे भक्तों का सदा आभार रहेगा और भगवान ने हमें ऐसी शक्ति दी है कि हम भक्तों की सेवा कर सकते हैं, इसीलिए हम आज उनके माध्यम से ही हमें 30 साल पूरा कर सके और उम्मीद करेंगे कि जो हमारे आदरणीय बद्री विशाल अंकल ने चालू किया है हम दूसरी जनरेशन उसको आगे लेके जाए और जब तक बप्पा की मर्जी होगी तब तक ये कार्य करते रहें। और बहुत गर्व होता है कि पूरा परिवार एक साथ इस समय पे आता है और सभी लोगों के साथ ये उत्साह मनाते हैं। हम तो ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं गणेश भक्तों के लिए और यहाँ आने पे हमको ऐसे लगता है कि पूरे मुंबई में हर जगह जगह गणपति विसर्जन होता होगा, लेकिन यहाँ का एक अनुभव ही हमारा अलग है। और हमारे तिवारी परिवार के बद्री विशाल तिवारी जी, राम भाई पाल जी और राजेश जी, अब गत 10 वर्षों से इन्होंने बहुत यहाँ सेवा में, और हमारे राम भाई जी जो भी सेवा होती है, जो भी कार्य करते हैं तिवारी परिवार की ओर से, हर कार्य में विशेष रूप से हमारे राम भाई पाल जी कहते हैं हमको सेवक कहिए, लेकिन हम लोगों के मुखार बिंदु से सेवक शब्द निकल नहीं पाता उनके कार्य को देखते हुए, लेकिन वह अपने मुखार बिंदु से सदा सेवक ही बना रहना चाहते हैं। और ऐसे ही वड़ा पाव का वितरण, आज कई लाखों वड़ा पाव यहाँ वितरण हुआ, गरम गरम सभी को खिलाया गया और हर वर्ष ऐसे ही चलता रहता है। और सभी परिवार के लोग, आपके परिवार के एक एक छोटे से बड़े बच्चे तक, सभी आकर यहाँ सेवा में सदा लगे रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि सभी अब गणेश भक्तों को अब हमारी तरफ तिवारी परिवार की तरफ से शुभकामना है और ये 30 वर्षों से काम जो हो रहा है, जो हमारे आपसे लोग हैं, जो हमारे घर के लोग हैं, उनकी प्रेरणा की वजह से हो रहा है, हमारे समाज के लोग जो ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए हमको बहुत खुशी की बात है और ये प्रोग्राम चलता रहे, यही मेरी शुभकामना है। किस तरह का सहयोग होता है, पूरा फैमिली होता है, जिस तरह से कहा जाता है सहयोग खुशी हमेशा ही नजर आता है परिवार में। सहयोग का मतलब ये नहीं है कि मतलब तन मन धन से भी होता है और ये लोगों की अपेक्षा से नहीं होता है। अपेक्षा तो हम लोग ये रहती कि लोग यहाँ आके जुड़े हमारे साथ, यही हमारी तिवारी परिवार की कामना रहती है। मेरे बड़े भाई बद्री विशाल तिवारी के पुत्र राजा तिवारी, उनका जब जन्म हुआ तब से उन्होंने ये वड़ा पाव का कार्यक्रम चालू किया है और जो उन्होंने बी बोया है उसको हम लोग आगे पेड़ बना के पौधे छोड़ के जाएंगे और उसी में 30 वर्ष हो गए हैं कार्य करते, सेवा करते, और हम सेवा ही कर रहे हैं और हम परिवार के लोग ही इकट्ठे हुए करते हैं, इसमें कोई किसी का कुछ होता नहीं है और परिवार के मिलके सारी सेवा करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बाद भी हमारे परिचय बच्चे ये कार्य को करते रहें और हमारे नाम को रोशन करें, जैसे हम अपने नाम रोशन करके अपने पुरखों को आज दिखा रहे हैं कि हम कुछ आपने कुछ छोड़ा है तो हम कुछ कर रहे हैं, तो यही हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे पीछे ये करें धन के। पूरे परिवार को देखते
आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।